क्या आपको पता है कि विराट कोहली स्पिन और पेस के अगेंस्ट अलग अलग ट्रिगर मूवमेंट्स लेते हैं? वो ऐसे क्यों करते हैं? ट्रिगर मूवमेंट एग्जैक्टली क्या है, उसका क्या फर्क पड़ता है? एंड यू एज अ यंग क्रिकेटर, ट्रिगर मूवमेंट लेना चाहिए कि नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। प्लस आई विल टेल यू व्हाई आई एडवाइज मेरे अकेडमी के स्टूडेंट्स टू नॉट टेक अ ट्रिगर मूवमेंट। मैं हूं स्नेहल प्रधान, इंडिया क्रिकेटर और आपकी ऑनलाइन क्रिकेट कोच। आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल। इंटरनेशनल क्वालिटी क्रिकेट टिप्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना, और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, जहां पे यू कैन फाइंड आउट हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम मी। विराट कोहली की ट्रिगर मूवमेंट समझने से पहले, वो कब और क्यों लेते हैं ये सब समझने से पहले, लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रिगर मूवमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। ट्रिगर मूवमेंट वो मूवमेंट होता है, जिसे इनिशियल मूवमेंट भी कहते हैं, वो मूवमेंट होता है जो आपका इनर्शिया ब्रेक करता है। अब इनर्शिया क्या है? क्विक फिजिक्स लेसन। सब ने स्कूल में इनर्शिया के बारे में सीखा है, आज हम क्रिकेट में अप्लाई कर रहे हैं। इनर्शिया मतलब जो चीज स्थिर है वो स्थिर ही रहती है, और जो चीज मूविंग है वो मूविंग ही रहती है जब तक कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये समझो कि इनर्शिया मतलब वो टेंडेंसी कोई भी चीज की, कि अगर वो चीज स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई ना हो। अब ये चीज क्रिकेट में कैसे अप्लाई होती है? जब हम स्टांस में तैयार हो जाते हैं, बॉलर आ रहा है, तब हम स्थिर है। इनर्शिया कहता है कि जब हम स्थिर है, इनर्शिया की वजह से हम टेंडेंसी ऐसी है कि स्थिर ही रहे। मगर जब कोई तेज बॉल आ रहा है, फास्ट बॉलर डाल रहा है, उसके लिए क्विक रिएक्शंस चाहिए, तो उसके लिए इनर्शिया को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक ट्रिगर मूवमेंट हम लेते हैं कि बॉडी को स्थिर से मूविंग वाले कंडीशन में जल्दी लाने के लिए। आगे जाने से पहले आई वॉन्ट टू नो कि आपके गेम में ट्रिगर मूवमेंट है क्या, क्या आप ट्रिगर मूवमेंट लेते हो या नहीं? रिप्लाई इन द कॉमेंट्स विथ येस और नो। अब इस बेसिस पे समझते हैं कि व्हाई विराट कोहली यूजेस डिफरेंट ट्रिगर मूवमेंट्स फॉर फास्ट बॉलर्स एंड स्पिन बॉलर्स। पहले फास्ट बॉलर्स का दिखाती हूँ मैं कि विराट कोहली का ट्रिगर मूवमेंट क्या होता है। इस स्टांस पोजीशन से फॉर अ फास्ट बॉलर ये पोजीशन में आ जाते हैं विराट कोहली, सो ही हैज अ बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट, एंड देन यहाँ से वो आगे जा सकते हैं, यहाँ से वो फ्रंट फुट से पुश कर सकते हैं बैक फुट पे, जहाँ पे वो दोनों फ्रंट बैक फुट ऑफ आउटसाइड ऑफ स्टंप कवर करने के लिए भी तैयार है। एंड ऑफ कोर्स ऑन द पैड्स बहुत बढ़िया शॉट्स मारते हैं विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज ट्रिगर मूवमेंट अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग। अब फंडा क्या है, व्हाई इज ही टेकिंग अ ट्रिगर मूवमेंट अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग? क्योंकि जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आप 140 प्लस के बॉलर्स को फेस कर रहे हो, आप ऐसे स्थिर नहीं रह सकते हो, बिकॉज 140 के स्पीड से आने वाला बॉल पे आपका मूवमेंट लेट हो सकता है और आप बोल्ड हो जाओगे, आपके मूवमेंट थोड़े से लेट होने की वजह से आप आउट हो जाओगे। इन ऑर्डर टू ब्रेक द इनर्शिया ही टेक्स अ ट्रिगर मूवमेंट विच मेक्स हिम रेडी टू प्ले ऑल अराउंड फ्रंट फुट एंड बैक फुट। बट आप देखोगे कि जब विराट कोहली स्पिन के अगेंस्ट खेलते हैं वो ट्रिगर मूवमेंट नहीं लेते हैं। ही स्टैंड्स लाइक दिस एंड फ्रॉम हियर प्लेस फ्रंट फुट, इसी पोजीशन से ही मूव्स ऑन टू द बैक फुट, इसी पोजीशन से ही कैन प्ले द पुल और कट शॉट, या इसी पोजीशन से ही कैन ड्राइव थ्रू द ऑफ साइड थ्रू द लेग साइड। रीजन क्या है? आप अगर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आई एम श्योर आप रीजन जान गए हो। जब स्पिन के खिलाफ खेल रहे हैं तो एट द इंटरनेशनल लेवल 90 किलोमीटर्स पर आर, 80 किलोमीटर्स पर आर की स्पीड से बॉल आ रहा है, सो इवन फ्रॉम दिस पोजीशन आपके पास काफ़ी टाइम है कि आप अच्छे से रिएक्ट कर सकते हो। इसलिए विराट कोहली डज नॉट टेक अ ट्रिगर मूवमेंट व्हेन ही इज बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, बिकॉज ही डज नॉट नीड टू ब्रेक हिज इनर्शिया। इनर्शिया ब्रेक करने वाला मूवमेंट जरूरी नहीं है,
एंड व्हाट हैपेंस इज इससे विराट कोहली की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन काफ़ी सिंपल हो जाती है। हमने देखा है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉलर्स विराट कोहली को इस आउटसाइड ऑफ स्टंप चैनल में आउट कर चुके हैं। दैट्स समटाइम्स बिकॉज हिज इनिशियल मूवमेंट गोज स्लाइटली ओपन या इनिशियल मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा बाहर गई तो इस चैनल में वो काफ़ी बार आउट हो चुके होते हैं। पर जब स्पिन के खिलाफ खेलते हैं हिज मूवमेंट इज मिनिमल, मूवमेंट बिल्कुल सिंपल है, इसलिए कम प्रॉब्लम्स आते हैं एंड दैट इज व्हाई ही हैज डिफरेंट मूवमेंट्स फॉर स्पिन एंड पेस। पर ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। आई टोल्ड यू दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू कि मैं अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स को क्यों कहती हूँ कि आप ट्रिगर मूवमेंट ना लो, ठीक है? अगर आपकी ट्रिगर मूवमेंट आपकी गेम में नेचुरल है देन इट्स ओके, बट मैं काफ़ी बिगिनर्स के साथ काम करती हूँ, उनके बेसिक्स पे काम करती हूँ। आई टेल देम नॉट टू टेक अ ट्रिगर मूवमेंट। क्यों मैं बताती हूँ? हमने देखा कि ट्रिगर मूवमेंट इज इनर्शिया ब्रेक करने के लिए। आपको इनर्शिया ब्रेक करना कब जरूरी है? जब आप 140 का बॉलिंग फेस कर रहे हो, ठीक है, 140 नहीं 130 120 का बॉलिंग फेस कर रहे हो, तब आपको बिल्कुल जल्दी रिएक्ट करना है बॉल के खिलाफ, इसलिए इनर्शिया ब्रेक करना बहुत जरूरी है। एट दैट पेस हम ट्रिगर मूवमेंट के बारे में सीखेंगे अगर आप वो पेस से खेल रहे हो। मगर बिगिनर्स जब आप पेस 50, 60, 70, 80 के स्पीड से खेल रहे हो, आप जितना आपकी बैटिंग सिंपल रखोगे उतने टेक्निक में गड़बड़ कम होगी। जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतना आपके मूवमेंट्स बढ़ेंगे, उतने मिस्टेक्स आने के चांसेस है। विच इज़ वाई आई टेल माई स्टूडेंट्स कि आप बिल्कुल बिना ट्रिगर मूवमेंट की बैटिंग करो, जिससे आपकी बैटिंग काफ़ी सिंपल रह जाती है। सिंपल होने के वजह से, जितने कम मूवमेंट्स होने के वजह से कम मिस्टेक्स होने के चांसेस है, जिससे आप कम मिस्टेक्स करोगे, कम बार आउट होगे और ज़्यादा रन बनाओगे। वेरी सिंपल साइंटिफिक फंडास। अगर आप ऐसे साइंटिफिक और इंटरनेशनल क्वालिटी कोचिंग का फ़ायदा लेना चाहते हो, इफ यू वांट मी टू टीच यू इन द वे दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पे आप क्रिकेट विद स्नेहल की ऑनलाइन अकेडमी चेकआउट कर सकते हो। आई हैव अ नंबर ऑफ कोर्सेज फॉर पेरेंट्स ऑफ यंग चिल्ड्रेन, यंग क्रिकेटर्स, जैसे मेरा बैटिंग बेसिक्स कोर्स, जिससे बेसिक्स बिल्ड करने में बहुत फ़ायदा होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर देना, इससे क्या होता है कि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाते हैं, ताकि ये साइंटिफिक और इंटरनेशनल टिप्स और लोगों को पता चले। एंड सब्सक्राइब टू क्रिकेट विद स्नेहल इंटरनेशनल क्वालिटी क्रिकेट टिप्स के लिए। ये वीडियोस नेक्स्ट देखना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर क्रिकेट।